हेलो बच्चों, मैं आपको क्लास 5 का एनवायरनमेंट पेज नंबर 25 गोल्डन पैडी फ्रॉम द सॉयल ये इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मेरा वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक बटन तो ज़रूर दबाइए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो आप लोग को पसंद आ रहा है, इससे मुझे जानकारी मिलेगी। ठीक है, और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं क्योंकि मेरा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप तक पहुंच पाए पहले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ द पैडी रिक्वायर्स अ फील्ड विद सेगमेंट वाटर, माने धान की खेती के लिए रुके हुए पानी वाली खेत की आवश्यकता जरूरी होती है। द सैपलिंग आर स्मॉल, पौधे छोटे होते हैं। दे आर अपरूटेड टू द प्लांटेड, उन्हें उखाड़ के वापस दूसरे जगह पर रोपा जाता है। दे मस्ट बी समर्ज्ड इन वाटर ऑफ रूट टू होल्ड द सॉयल, जड़ों की मिट्टी धारण करने के लिए उन्हें पानी में डुबा कर रखना पड़ता है। बहुत जरूरी होती है इस इसको पानी में डुबा के रखने के लिए। बिफोर द सैपलिंग आर प्लांटेड द सॉयल इज मेड टर्बिड, मैंने पौधे लगाने से पहले मिट्टी को टर्बिड बना दिया जाता है। प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल हेल्प इन क्रिएटिंग अ वाटर सेगमेंट फील्ड, माने लंबे समय तक बारिश एवं जल स्थित क्षेत्र में बनाने में मदद करती है। ठीक है, एट दैट टाइम द सीड पैडी, माने बीज बीज धान आर टेकन फ्रॉम द सीड बेड एंड रिप्लांटेड, माने उस समय बीज धान को सीड सीड बेड से लिया जाता है और फिर उन्हें लगा दिया जाता है। ठीक है, अर्पणा अर्पणा हैड नेवर सीन द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन, सी आस्क्ड व्हाट इज सी पैडी। अर्पणा ने कभी भी ये प्रक्रिया नहीं देखी थी, उसने पूछा कि बीज धान क्या होता है। ठीक है, समीर सेठ, समीर ने कहा फर्स्ट द सीड आर सोन आर स्मॉल आर कॉल्ड द सी बेड, माने समीर ने कहा कि सबसे पहले बीजों को एक छोटे क्षेत्र में बोया जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ सैपलिंग आर प्लांटेड क्लोज टुगेदर, बड़ी संख्या में पौधों के साथ लगाए जाते हैं। टुगेदर प्लांट आर कॉल्ड सी पैडी, इसके साथ उन्हें पौधे को बीज धान भी कहा जाता है। व्हेन दे आर अबाउट फुट हाइट, जब वे लगभग 1 फुट के ऊंचे होते हैं। दे आर रीप्लांटेड, रीप्लांटेड मैंने वापस से दूसरे जगह लगाना। ठीक है, दे आर रीप्लांटेड विद डिस्टेंस ऑफ स्पैन रफली 9 इंचेस बिटवीन देन, उस पौधे को बीज धान कहा जाता है जब वे लोग लगभग 1 फुट ऊंचे होते हैं, उनके बीज की अवधि लगभग 9 इंच की दूरी के साथ में उन्हें दोबारा लगाया जाता है। ठीक है, सर सेड द सॉयल दैट इजली मेड टर्बिड आल्सो होल्ड वाटर इजली, सच सॉयल आर सुटेबल फॉर पैडी कल्टीवेशन। सर ने कहा जो मिट्टी आसानी से गंदी हो जाती है उसमें पानी भी आसानी से समा जाती है, ऐसी मिट्टी धान की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त तो होती है। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे देती हूँ तो ये चैप्टर आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन। विच पैडी रिक्वायर्ड अ फील्ड विद स्टैग्नेंट वाटर, कल्टीवेशन ऑफ सीड पैडी रिक्वायर्ड अ फील्ड विद स्टैग्नेंट वाटर। हाउ टू सैपलिंग प्लांटेड, द सैपलिंग आर स्मॉल, दे आर अपरूटेड एंड प्लांटेड, वट विल बी हैपन, ये हैपन है। प्रोलोंग द रेनफॉल, प्रोलोंग्ड रेनफॉल हेल्प इन क्रिएट स्टैग्नेंट फील्ड, वट विल बी डू बिफोर द सैपलिंग आर प्लांटेड, बिफोर द सैपलिंग प्लांटेड द सॉयल इज मेड टर्बिड, एट द फर्स्ट टाइम वेयर द सीड पैडी विल शुड स्प्रेड, एट द टाइम द सीड पैडी आर टेकन फ्रॉम द सी बेड एंड रिप्लांटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सी बेड, ओके, आर सोन इन ए स्मॉल एरिया कॉल्ड सी बेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर रिप्लांटेड सी पैडी, अ लार्ज नंबर ऑफ सैपलिंग आर प्लांटेड क्लोज टूगेदर, दोज प्लांटेड आर कॉल्ड सी पैडी। ठीक है, वेन दे आर अबाउट
a foot height, they are replanted with distance of a span, span in the sense इंची, मैंने हाथ से जो नापते हैं, ठीक है, roughly 9 inches between them, ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 6 का है और यहाँ से यहाँ तक, ये 7 का यहाँ से यहाँ पूरा होगा और 6 का यहाँ से यहाँ है, मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अभी 8 नंबर में चलते हैं, हाउ मच हाइट दे शुड बी रिप्लांटेड अबाउट फुट, अबाउट अ फुट हाइट, ओके। नेक्स्ट, विच सॉइल दैट इज इजली होल्ड वाटर, द सॉइल सॉइल दैट इज इजली मेड टर्बिट आल्सो होल्ड वाटर इजली। ये हो गया क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर मैं फिल इन द ब्लैंक्स देती हूँ। कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर टू फील सेग्नेंट वाटर, कल्टीवेशन होगा। फर्स्ट द सीड आर सोन इन द स्मॉल आर कॉल्ड सीबेड होगा। द लार्ज नंबर ऑफ द सैपलिंग आर प्लांटेड क्लोज टूगेदर, ये आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, फिल इन द गैप किया हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल हेल्प इन क्रिएटिंग अ वाटर सेग्नेंट फील्ड, दे मोस्ट बी submerged in water for the root to hold the soil before the sapling are planted to soil in May turbid, okay। मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइए।